आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बेटे के प्रेम विवाह किए जाने से नाराज पिता ने अपने बेटे को गोली मारकर हत्या कर दी है। यह घटना विशाखापट्टनम के अनंतगिरी क्षेत्र में घटी। अनंतगिरी के पहाड़ी इलाके में परंपरा के अनुसार यदि कोई युवक घर वालों के मर्जी के खिलाफ विवाह करता है तो उसे कुछ समय के लिए घर से अलग रहना पड़ता है, बाद में उसे घर आने की अनुमति दी जाती है। पुलिस ने बताया कि अनंतगिरी मंडल के कोंडिम्बा पंचायत परिधि में रहने वाला जन्नी अरेया ने पिता के विरोध के बावजूद 5 साल पहले मोती नामक युवती से शादी की थी। पिता के अपने बेटे को घर आने की अनुमति ना दिए जाने से वह उसी गांव में एक झोपड़ी बनाकर खेती कर जीवन बसर करता था। तब से बाप बेटे के बीच तनाव चल रहा था। इसी क्रम में बुधवार को अरेया पास के हाट गया। इसी दौरान उसका पिता जन्नी पल्ला भी हाट गया था। हाट में इन दोनों की मुलाकात हुई। हाट में बाप बेटे के बीच कहासुनी हुई। जन्नी पल्ला ने अपने पास मौजूद देशी रिवॉल्वर निकाल कर बेटे पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इससे अरेया की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और जन्नी पल्ला को हिरासत में ले लिया। जन्नी अरेया के 2 बेटे और 1 बेटी है और वह फिलहाल 6 महीने की गर्भवती है।